उनका ये मानना है। बट मैं कहना चाहूंगी कि भाई अगर तुम्हारा कश्मीर है तो कश्मीरीज को भी अपना मानो, कश्मीरी जो लोग होते हैं उनके बारे में भी कम से कम कुछ सोचो। माँ से इन्होंने नेट काट दिया, माँ से इन्होंने फोन कनेक्शन जितने भी थे वो काट दिए, तो जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो लड़के लड़कियां कश्मीरीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका कौन देखेगा? इन्होंने यहाँ पे जाकर, इन्होंने वहां पर बोल दिया कि आप जितने भी यहाँ पे यात्री हैं वो सारे वापस चले जाओ, कश्मीर में कुछ होने वाला है। जब 370 लगने वाली थी तो इन्होंने बोला कि सारे जो यात्री हैं वो वापस चले जाओ, कश्मीर में कुछ ऐसा हालत होने वाले हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पर भेज दिया। तो यहाँ के कश्मीरी को कौन बताएगा कि आप अपने घर चले जाओ, कश्मीर में हम ऐसे 370 हटाने वाले तो आपको फोन पे बात नहीं करने देंगे, इंटरनेट पे बात नहीं करने देंगे। तो उनके साथ जो बुरा हो रहा है उनको कौन देखेगा? उनको तो कोई देख नहीं रहा। ना ही तो ये मोदी जी किसी के लिए कुछ ट्वीट करते हैं, बस ये सांत्वना देते हैं। अरे मुझे तो ये एक इनका इतना बड़ा मजाक, मैं ये बोलूंगी, इन्होंने सारा लाइट इंटरनेट सब कुछ वहां से काट दिया और जब 370 हटा दी गई उसके आगे कश्मीरीज को सांत्वना दे रहे हैं, तो सुनेगा कौन तुम्हारी? कौन सुन रहे है तुम्हारी जो बोल रहे हैं हम कश्मीरी भाई बहनों के साथ हैं? अरे भाई बहनों को तुम छोड़ो, जो सच्ची में जो काम है वो करो। कश्मीरीज को अगर चलो ठीक है तुमने अपने साथ लेना था, तुम ये सब जो कह रहे हो कि वहां पर जाके जमीन खरीद सकते हम कश्मीरीज को ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी तक कौन रोक रहा था तुम्हें? अभी तक भी तो कोई नहीं रोक रहा था ना, अभी तक तो भी तुम सब कर ही सकते थे ना कश्मीरों के साथ। वहां पे तुम महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकते हो, फिर उसके बाद जैसे ही 370 लगती हो सबको जेल में आप डाल देते हैं, ठीक है? तो जब तुमने सरकार बनाई तब तुम्हें नहीं पता था कि वो कैसे लोग हैं? जब भी तो तुम्हें पता था कि वो कैसे लोग हैं, पर नहीं, उनके साथ क्योंकि सीट का लालच है ना, वहां पे अपनी सरकार चाहिए तो वहां पे सीट का लालच सरकार बना ली। पर जब ये लगा कि नहीं भाई अब तो ये पूरा अपना कब्जा है, तो वहां से सबको जेल में डाल दिया और जितनी भी परेशानी है कश्मीरी को दे सकते हैं उतनी परेशानी दे रहे हैं। इस समय कश्मीरी के क्या हालात है, वहाँ क्या लग रहा है? अभी भी करीब एक महीने से ज्यादा होने जा रहा है, वहाँ पर अभी किस तरह के हालात हो? देखिए मैं सच्ची बताऊँ तो खैर जैसे इंटरनेट व्यवस्था वहाँ से सब कुछ काट ही रखा है तो हमें इतना ज्यादा तो मालूम नहीं होता, बट अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो कुछ कश्मीरीज मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनसे कभी भी मैं पूछती हूँ तो वो सीधा मना कर देते हैं कि उस दिन के बाद से हमारे मम्मी पापा से हमारी बात नहीं हुई है, उस दिन के बाद से किसी दोस्त से हमारी बात नहीं हुई है, मम्मी पापा कैसे हैं कुछ पता नहीं है, कितने लोगों की वहाँ पे डेथ हो चुकी है कुछ पता नहीं है, उनमें से कौन कौन हो सकता है कि यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं उनके माँ बाप हो, या फिर यहाँ पे जो लोग रुक गए हैं वहाँ पे उनके कोई रिलेटिव हो, किन वो है भी या जिंदा नहीं है उसका भी कुछ पता नहीं है। तो मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो ये है कि वहाँ पे जो यहाँ वालों की भी बहुत बुरी हालत है जो कश्मीरी यहाँ पे है, और जो वहाँ पर लोग हैं उनकी भी बहुत बुरी हालत है, सब अपने आप अपने लोगों से बिछड़े हुए हैं। किस तरह से वो मिलेंगे अब ये तो बीजेपी से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ बता के तो करती नहीं, सब कुछ अपना ही करना होता है, इनको किसी से ना पूछती ना कुछ करती है। तो मेरे ख्याल से अब क्या हालत होंगे ये आगे वाले आने वाले टाइमों में देखने को मिलेगा। एक और बात पूछना चाहूंगा, अभी कुछ समय पहले और अभी भी एक मुहिम चली थी व्हाट्सएप और फेसबुक पर कि अब तो हम कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे, अब तो कश्मीरी लड़कियों के साथ उनको गर्लफ्रेंड बनाएंगे। क्या लगता है कि 370 हटने के बाद वहाँ कश्मीरी लड़कियों, आज जिस तरह से आज महिलाओं की रेस्पेक्ट करना इस तरह का जो मुद्दा बनता है, क्या लगता है आपको? देखिए मुझे लगता है कि बहुत ही जाहिल लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और ऐसे पोस्ट डालते हैं। तो पोस्ट में जब वो डले हुए थे तो मैं पोस्ट में पढ़ रही थी ना, जब उनके कमेंट्स, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूं, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो कुछ लोगों ने ये लिखा हुआ था कि भाई आप कश्मीरी लड़कियां ले तो लेंगे पर अपनी लड़कियां देने के लिए भी तैयार रहना वहां पे। फिर तब उस बात पे वो गालियां बकने लग गए थे। तब अगर तुमसे सुना नहीं जा रहा है ये सब कि कश्मीरी लड़कियों को मतलब तुम अपनी बहनें देने के लिए, अपनी बहन पे बात आई तो इतनी बड़ी बात लग रही है, अब उनकी माँ बहन बेटी पे तुम बात करो तो कुछ भी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही घटिया मेंटेलिटी के बहुत ही जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं किसी की बहन पे किसी की बेटी पे। और इनफैक्ट मेरे पास एक मैसेज आया था और इन्हीं की पार्टी का था, मैं कुछ कहूंगी नहीं, इन्हीं की पार्टी का था, इन्हीं का सपोर्ट करता है, आप खुद ही समझ जाइए। तो उसने मुझसे बोला था लिखना नहीं आता था ढंग से, कश्मीरी इसको वो कश्मीरी लिख रहा था, अब तो हो जाएगी ना कश्मीरी लड़कियों से शादी भी नहीं लिखा उसने, शादी लिखा, मतलब लिखना नहीं आ रहा है बट कश्मीरी लड़कियों से शादी करनी है इनको, मतलब बिल्कुल जाहिल सोच वाले जो लड़के होते हैं, जाहिल लोग एक तरीके से होते हैं, उनकी ही ऐसी मेंटेलिटी है, वो ही ऐसे पोस्ट डालते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गलत बात है कि किसी की माँ बहन बेटी पे ऐसी बातें करना, और खासकर उनके साथ ऐसी बातें करना जो अभी खुद भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है। जिस तरह से एक तरह से कश्मीर को ही 370 क्यों चुना गया, जिस तरह से और भी स्टेट हैं जहां पर देखते हैं कि
वहाँ भी आप जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ भी परमानेंटली नहीं रह सकते, तो कश्मीर को ही टारगेट क्यों? कश्मीरीज को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि कश्मीर में मुसलमान रहते हैं। बस कश्मीर में मुसलमान रहते हैं तो इनका तो एक मेन मकसद है ना कि भाई मुसलमानों को भगाओ। एक नारा इन्होंने लगाया था कि हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, इनका एक नारा रहा है शुरू से बीजेपी वालों का। तो अभी भी इनका यही चल रहा है कि भाई जितने मुसलमान है उनको बाहर निकालो। मॉब लिंचिंग हो क्यों रही है? मॉब लिंचिंग चुटकियों का खेल है भाई, रुकना यूं ही रोक सकते हैं मॉब लिंचिंग को। इतना तगड़ा कानून बना उनके ऊपर जो मॉब लिंचिंग करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी मॉब लिंचिंग करने की। पर इनका मेन जो इनका राजनीति इसी पे चल रही है, हिंदू और मुसलमान। कुछ नहीं देखना इनको किस तरह के हालात है, बस इनको ही देखना है हिंदू को और मुसलमान को किस तरह से अलग करना है। हाँ, हिंदू मुस्लिम किस तरह करना है। और देखिए, अभी शायद आपने सुना होगा कि यहाँ पे हुआ था दिल्ली छह में जो हुआ था, कि दिल्ली छह के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। दिल्ली छह के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि आना जाना मेरा रहा है वहाँ पे। और वहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ जितने हिंदू हैं तो उतने ही मुसलमान हैं और इतना भाईचारा है वहाँ पे। इन्होंने वहाँ पर भी मॉब लिंचिंग का एक तरीके से हिंदू मुसलमान कराने के लिए वो कर दिया कि हिंदू का लड़का था मुसलमान को मारा, मुसलमान का लड़का था हिंदू को मारा, पता नहीं क्या क्या करके इन्होंने वहाँ पर भी वो। और अभी तक वहाँ पे आर्मी लगी हुई है अभी तक, तो वहाँ पे जबकि ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल झूठी खबर थी, कुछ था नहीं। बट पता नहीं कौन थे फैलाने वाले, कौन नहीं थे, इनके अपने ही भाई बंधु होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, वो ही फैलाने वाले होते हैं। इस तरह से फैला के वहां पर भी हिंदू मुसलमान कर दिया। तो इनका जो राजनीति चल रही है वो हिंदू मुसलमान से ही चल रही है, तो इसलिए कश्मीर को टारगेट इन्होंने किया। देखिए 370 जैसे यहाँ पर है तो 371 भी कहीं है, इनको पता होना चाहिए। हाँ, उत्तराखंड में तुम जमीन नहीं खरीद सकते, लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, तो वहां का कुछ नहीं दिखता इनको। पर कश्मीर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम्स रहते हैं, इनको लगता है मुस्लिम से बहुत ज्यादा इनको गुस्सा आता है, पता नहीं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब इंसान तो वो भी है ना, दोनों हम इंसान हैं, एक ही तरह के इंसान हैं, तो क्यों इतनी चिढ़ है इनको मुस्लिम से? मुझे बहुत मैंने भी व्हाट्सएप पे पढ़ा था और मैंने भी शेयर हुआ कि लोगों का कमेंट आ रहे थे, मतलब पक्ष दोनों तरफ से कि अब हम कश्मीर में जाके जमीन खरीदेंगे। तो कुछ लोगों का था कि जिन लोगों की कश्मीरी सेब खरीदने की औकात नहीं है वो इसे कैसे खरीदें, तो इसके बारे में क्या लगता है, ये बात सच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। देखिए एक बात बोलूं मैं, जो ये भक्त जो है ना, जो कट्टर भक्त है वो ही ये बात कहेंगे। आप कट्टर भक्तों से ये पूछो कि 500-500 रुपए पे वो बुलाए हुए लोग होते हैं, 500-500 रुपए पे वो बुलाए हुए पूरे दिन, अपनी सुबह से लेकर पूरा अपना एक दिन खराब करते हैं सिर्फ 500 रुपए के लिए। और वो कश्मीर में उनकी एक तरीके से बोलना नहीं चाहिए बट औकात है उनके कश्मीर में जमीन खरीदने की। तुम अगर तुम्हारा इतना ही वो है तो भाई भारत में और जगह है जो जमीन कम खरीदने की, कश्मीर में तो मैं खरीदनी, कश्मीर जैसी और भी जगह है वहां पे खरीद के दिखा लो तुम्हारी इतनी औकात है तो। पर नहीं, इनको कश्मीर में खरीदनी है। और ये भक्त है ना, एक तरीके से मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इधर से उधर ताकि लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी उठे कि हाँ यार कश्मीर में हम जमीन खरीद सकते हैं, ये वो है। पर मेरे ख्याल से बहुत तुच्छी हरकतें होती है और ये सब जो इनका आईटी सेल है वो ही करता है, कोई नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। भक्तों की परिभाषा किस तरह की जा सकती है? भक्तों की परिभाषा इस तरह से करी जा सकती है कि मोदी उनके सर पे डंडा मार भी देगा ना, तब भी वो बोलेंगे अरे साहब हम तो आपके ही हैं, हम तो कुछ भी हो हमारे, हमें भगवान और हमें मोदी गला काट भी देना हमारा, तब भी हम मोदी 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 ही करेंगे। तो ये भक्तों की एक तरीके से परिभाषा है कि कुछ भी हो जाए मोदी उनका पूरा खानदान खरीद खत्म कर दे, पर उनका एक ही नाम होता है, उनका एक ही सब कुछ, उनका एक ही पे टारगेट होता है, वो है मोदी 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 मोदी। बीजेपी कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी, और मोदी से ही बीजेपी चल रही है मेरे ख्याल से। तो लोग तो कहते हैं आरएसएस से चल रही है बीजेपी, आरएसएस वाले तो खुद चिड़े हुए आजकल। देखिए आरएसएस की वजह से ही, देखिए सही बताऊं तो आरएसएस की वजह से ही चल रही है। और आरएसएस कुछ चाहता है कि हमारा ही नाम हो, पर जिस तरह से अभी मोदी का मोदी 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 जिस तरह से बढ़ रहा है नाम, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो आरएसएस को भी खलता ही होगा ये नाम के मोदी मोदी हो रहा है और आरएसएस कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात है उस तरह आरएसएस को कह लो बीजेपी को कह लो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे, तो बुरा तो ये कर ही रहे हैं और आगे कितना बुरा करेंगे वो देखने वाला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से देखा कि कश्मीर के हालात क्या हैं और कश्मीर में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, तो जिस तरह से नेहा भारती ने बताया जो आज सच्चाई है उन्होंने अपनी सामने बात रखी। मीडिया गौतम एच एन पी न्यूज के साथ, धन्यवाद।